एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऊपर से कपड़े लेने के लिए। नीचे कपड़े दीदी ने पूरे तार भर दिए तो मैंने बोला मैं ही ऊपर सुखा देती हूँ। ये दोनों दीदियों ने मतलब इतनी बड़ी छत है, कपड़े सुखाने के लिए कोई जगह नहीं कर रखी है। मैंने बोला अभी तो गर्मी चल रही है, सर्दियों में इतने सारे कपड़े होते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है, कहाँ पर कैसे सुखाओगे। कपड़े अच्छे से सूखे फैला के पड़े तभी कपड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे डाल दो तो नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो अभी छत पर सुखा लिए। मौसम कहीं बारिश का कहीं कैसा ऐसे सर्द गर्म सा ऐसे हो रहा है बारिश। और अभी तो सावन आ गए हैं तो अभी आपको पता होगा ही होगा। कपड़े ये देखिए, एक दो साड़ियां हैं दीदी ने पहनी थी, मैंने पहनी थी, वो सूखी नहीं है। यहाँ पे पूरे में बारिश हुई थी, फिर ऊपर से निवोरी टूटे, पूरे मीठी मीठी निवोरी, इतनी मक्खी इतने चीटे हो गए हैं। तीन चार बार भी झाड़ू लगा दो वो भी कम है, चूल्हा इसीलिए इतना कम जलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे में झाड़ू लगा दी। दीदी ने भैंस को पानी पिलाया, गोबर डाला, बच्चों के साथ सारा करवाने लगी। मैं अपना यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी, अंदर का सारा साफ पड़ा। अब यहाँ से लेके अंदर से लेके बाहर तक मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया। देख सकते हो कुछ भी नहीं है, बस पूरे घर में निवोरी निवोरी। आप ये देखो सब पीली पीली दिख रही है। हम ये वाला पेड़ है जो निवोरी गिरती है, ये मेरे ससुर ने लगवाया था, बहुत पुराना पेड़ है ये, बहुत ज़्यादा पुराना। और इससे बहुत ठंडक, हमारा जो द्वार है बाहर कभी खाली नहीं रहता, 10-5 आदमी बैठे ही रहते। अभी आप वीडियो में देखना, कहीं ताश खेलते रहेंगे कहीं कर कुछ बैठे ही रहते, कभी खाली नहीं रहता। अभी वीडियो में मैं रियल आवाज़ रखूँगी, वहाँ से देखना, उधर खाली जगह पड़ी है। उधर पूरे में मैंने अंदर यहाँ चूल्हे के पास से लेके बाहर तक पूरे में झाड़ू लगा दिए, क्योंकि चैन ही नहीं पड़ता, पैर चिपकते वो अंदर जाते और मीठी मीठी होती है, फिसल भी जाओ अच्छा नहीं लगता। तो दिखाती हूँ दीदी क्या कर रही है। सारा सामान रखे आना दीदी। ऐ ना डरे हो? बिंदी बिंदी नहीं लगाई, पर्स में रखी नहीं है, रख दो, आपने ही तो लगाया है। धक्का धक्का मारते मारते आ जाना छत पे, मैं छत पे जा रही हूँ, लाइट है नहीं। बच्चे क्या कर रहे देखते हैं। छत एक सीढ़ियाँ एक दिन साफ करो, अगले दिन बारिश हो जाती, गंदी हो जाती। इतना दूर दूर, इतना पास पास। क्या करी लाली का जूड़ा रूमाल लगा के बनाया है, लगाया लाली ने जूड़ा है लाली। लाली जी कितु कैसे? एक गिरेगा तो सारे गिर जाएंगे। एक गिरेगा तो सारे गिर जाएंगे, गिराएंगे तब तब वीडियो बनाएंगे। इधर दिखाऊं ये क्या कर रहे थे। देख रहे हो क्या कर रहे? पानी ना लाई लाली। लाली मम्मी से कही गिलास में पानी लिया, ठंडा ठंडा पानी नहीं ला रहे पीने वाला, सुन नहीं रहे, पानी नहीं है। आ जा लाली पानी लिया, हैं दिखा बिंदी, दिखी ना ऊपर आके दिखा। पापा रात को चलेंगे। बच्चों ने खेल रहे थे, देखिए मैं नीचे आ गई, क्योंकि 4-5 बजे के बाद दीदी देखो अपने चेहरा कैसे निहारती रहती है, पर ऐसे ही देखती रहती है। सोना ने वीडियो बनाई है, यहाँ पता है मैं साबुन लगाती हूँ ना तो उससे मुझे मेरे खुजली हो जाती है, तो मैंने ना फेस वॉश से अपना मुंह वगैरह धो के थोड़ी देर पाउडर वगैरह लगा लिया। और सोना मानती नहीं है, ये लोग 2-3 बार नहाते हैं सुबह भी ना। वो वाला झाड़ू ले लो बंसी का, वो वाला छोटा से, उससे बैठ के कर लो, तब भी ये लोग नहाते 3-3-4 बार, हम लोग तो एक ही बार नहा लेते हैं, वो ही बहुत है, क्योंकि साबुन चिपक जाता है उससे, फिर मेरे खुजली हो जाती है, कम ही कोशिश करती हूँ। वंशी का झाड़ू वो वहाँ पे लगा रही थी, मैंने बोला इससे नहीं इससे लगा। यहाँ पे हमने बेलपूरी मंगाई थी, बेलपूरी सभी लोग खाने में लगे थे, ये भी आ गए थे, गेहूँ बेच के आए थे, कल के वीडियो में हमने दिखाया, तो आके इतनी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, मतलब रोटियाँ ठंडी हो गई थी तो बोल रहे थे कि रोटी भी गर्म करके नहीं दे सकती, ये है वो, वहाँ नहीं, वहाँ की रोटी है ना वो मुलायम रहती है, एकदम सॉफ्ट रहती है, ये घर का गेहूँ है, नए गेहूँ है ना तो एकदम टाइट हो जाती हैं। और वैसे भी यहाँ के कितने बदल जाते हैं। यहाँ पे ये पानी लेके आ गए हैं, मतलब जैसे भाई साहब वगैरह मतलब बोलते हैं अपने घर में नहीं बदलूंगा तो कहाँ बदलूंगा, पर इनका ये व्यवहार, इनका ये बदला रूप देखा नहीं जाता। मतलब मैं बोलती हूँ मतलब इतनी दिल्ली में तो इतने वैसे रहते हैं, यहाँ इतने बदल जाते हो कि ये अपना घर है, अपने घर में तो सभी शेर होते हैं। ये बोलते कि तू अपने घर जाएगी तो तू भी तो शेर होगी, मैंने नहीं, मैं नहीं होती, मैं ऐसे ही रहती हूँ। पानी आ गया, ये देखिए मैंने भेलपूरी,
ये वंशु अपने लिए लाई, तीखी थी पर अच्छी लग रही थी। अच्छा यहाँ पे ये बड़े वाले भाई साहब के यहाँ पे मकान निकल रही है, ये देखो क्योंकि बारिश की वजह से बादल चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत तेज इतना सारा नुकसान हो जाए तो क्या मतलब है। तो इस मशीन में मैंने बोला आप लोगों के साथ वंशिका ये वीडियो बना के लाई है, तो इसमें से मकान निकल रही है, अब मक्के की रोटी सतुए ये बहुत, अभी देखिए कितनी सारी अड़ियाँ मैंने हर एक वीडियो में अड़ियाँ भूजते हुए आप लोगों को दिखाया, तो सभी लगे हुए हैं कि जल्दी हो जाए बारिश ना, देखो पूरा भरा हुआ है, पूरी सड़क भरी हुई है, बहुत सारी हैं अभी निकली भी नहीं है, ये देखो सारा वंशिका ने अच्छे से करके दिखाया है। बच्चे वहीं यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में, अभी एक टाइम कोशिश करते चावल बना लें, इतनी गर्मी लगती क्या कहें, सोयाबीन डाल के मैं बना रही थी, फिर सोयाबीन किसी ने ला के नहीं दी, फिर मैंने ऐसे ही चावल छोंक दिए, पर मिर्ची इतनी ज़्यादा पड़ गई थी ना, गले में आग मच रही थी, बहुत ज़्यादा तीखापन मतलब लग रहा था, ऐसे लग रहा खाए, फिर खाया नहीं गया, और सबने तो खा लिया, मतलब चटपटे अच्छे बने थे, मेरा तो मुँह ही छिल रहा है छाले की वजह से, तो वो और नहीं खाया गया। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले, टमाटर थे नहीं, मसाले घोल के कुकर में डाल दिए, और गर्म, और बीच वाली दीदी ने रोटियाँ सेक ली थी, दो दो तीन तीन, मतलब ये चावल कम खाते हैं ना, और सुबह भी इन्होंने नहीं खाई थी गुस्से की वजह से, मैंने अभी रीज़न बताया, तो मैंने बोला रोटी खा लो, चावल खाने तो चावल, फिर इन्होंने चावल भी ले लिए थे, रोटियां भी खा ली थी, सब्जी मेरी रखी हुई थी, चावल बील लिए और इनको धो, इतने से पड़े थे, मैंने वो भी बना देती हूँ। यहाँ पे चावल को छोंक के और इस पे आटा गूंद लिया था दीदी, उस वाले पे रोटी बना रही, मैंने कल पनपत्ती बनाई थी और भाई साहब को खिलाई थी, भाई साहब बोल रहे थे रोटियाँ अच्छी बनी हैं, बोल रहे थे थोड़ी सी और सेक दे, तो फिर मैंने उनको और सेका, थोड़ी सी चकले पे बेल लेती हूँ, फिर पानी लगा के मैं रोटी सेक लेती तो अच्छे से बन जाती, अच्छी लगती है ना। और पता है जब रोटी वगैरह चूल्हे पे तो वैसे ही जल्दी से मेरा मन करता है कि हाँ मैं बना लूँ, अच्छा लगता है मुझे बनाती हूँ, पर क्या है चूल्हा जब बिगड़ जाता है, वो आग नहीं जलती है तो बहुत दिक्कत हो जाती, तो वो धुआं धुआं होता है, तो दीदी बीच वाली दीदी है ना वो मुझे चूल्हा बना के दे देती कि तू अब सेक ले, तो थोड़ी सी मैं भी लालच कर जाती हूँ कि कुछ नहीं है तो गैस ही बच जाएगी, तो इस वजह से मैं चूल्हे पे सेक लेते, पर अभी ज़्यादा दिन ज़्यादा मैं नहीं सेकती, मैं बोलती छोड़ दो, वो चूल्हा बिगड़ जाए ना फिर वो आग जलती नहीं है, माचिस की तिल्लियाँ ही तिल्लियाँ देते रहो। मैंने गरम गरम सबको चावल दे दिए थे, सब गर्मा गर्म चावल खाए थे, फिर हम लोग छत पे मतलब 4 बजे जाते हैं, 7:30 बजे नीचे आते क्योंकि तब तक लाइट नहीं आई होती है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने देखी चावल हमारे बन चुके हैं, देख कितने खिले खिले बने, अच्छे बने, और बल्कि कोटा वाले चावल होते हैं तब भी अच्छे लगते हैं। थालियों में करके थोड़ा थोड़ा घी डाल के और इन्होंने खाया, दीदी ने पंजीरी भी बनाई थी, पंजीरी अच्छी थी, देसी घी में करके बनाई थी। तो पूरा दिन हमारा इतना सारा काम करने में चला जाता है तब भी ये लोग खुश नहीं होते हैं, बोलते ये रह गया वो रह गया। अच्छा यहाँ पे ये कटहल लाए थे, कटहल निकला पका हुआ, परसों लाए थे मैंने फ्रिज में रख दिया और वो पक गया, तो फिर पका हुआ तो बनाया तो था नहीं, मैंने बीज बीज निकाल लिए थे, तो बीज का बनाएंगे। बीज वाली दीदी हैं वो मीजा बना रही है, बड़ी वाली दीदी वो अरहर की दाल वो पीली वाली दाल बना रही, मूंग की है ना दीदी वो बना रही, और मैंने अरहर की दाल बनाई है, तीनों की सब्जियां आपको मैंने बता दी हैं। मीजा मैंने बोला मीजा की आप लोगों के साथ, और आप लोग बोलते हो कि बेसन की महक आती है, आप अच्छे से मीजा को अब भूंजोगे तो बिल्कुल भी महक नहीं आई, कच्चा सा रखेगा तो महक आएगी, नहीं तो मीजा की बेसन की बिल्कुल महक नहीं आती, मसाला अच्छे से पक जाए, गरम मसाला वगैरह। दीदी ने टमाटर नहीं डाले, टमाटर वगैरह डाल के खूब अच्छे से बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मीजा मसाला पक गया, मीजा डाल दिया, बेसन भूंज लिए थे अच्छे से तेल में डाल के, हींग जीरे से तड़का दे दिए, पानी अपने जैसा आप लोग खाओ वैसे पानी ज़्यादा ही पड़ता है, कम डालें तो वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, बेसन कितना पानी सोखता है आप लोगों को बताइए। अच्छे से पका के बिल्कुल भी महक कोई सब्जी नहीं हो तो आप ये बनाओ, बहुत अच्छे से खाएंगे। यहाँ पे मैं दीदी के पास बैठ गई हूँ, बीज सारे छील लिए, हींग जीरे से मैं अभी बीजों को तड़का दे दूँगी, मेरी दाल उधर बन रही है, दीदी से बातें करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। भाई साहब को जाना होता है ना, और अब तो स्कूल भी हो गए हैं, बच्चों के स्कूल चालू, अब ऐसे तो गांव में तो आप लोगों को बता दूं आज से स्कूल चालू हो गए हैं, पर आज शनिवार की वजह से दीदी ने भेजे नहीं है, मंडे से ही भेजेंगी कि एक दिन जाके फिर छुट्टी, तो आज दीदी बैग वगैरह सारा यूनिफॉर्म वगैरह तैयार कर देंगी। ये देखिए बीज चिपक रहे थे, तेल की सहायता से मैंने निकाला है इनको। यहाँ पर ये देखिए हमारी मीजा की सब्जी बन के हो गई है तैयार, इसको दूसरे बारे बर्तन में कर लेते हैं, और इसके साथ सोचूंगी चावल बना ले थोड़े से, क्योंकि मैं भी दाल बना लूँ, चावल बनाओ फिर रोटी बनाओ, दो दो चीज़ें हो जाती है ना, बहुत फिर डबल डबल काम हो जाता है।
और थोड़ी सी देर यहाँ, मतलब मैं वहाँ पे जैसे संडे वगैरह होता था 8 बजे 9 बजे उठते, यहाँ संडे हो या मंडे हो रोज़ उसी टाइम पे उठना होता है, 6 बजे 5 बजे 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। तो बीच बीच की सब्ज़ी किस किस ने खाई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बीज की अच्छी लगती है। बच्चे मांग मांग के खा रहे थे, इतने से आधी किलो बीज में इतने निकले, आप सोचो एक किलो कटहल में कितने सारे बीज निकलेंगे। पर पता है इनको मैंने अभी नमक और मिर्ची और अमचूर डाल के इनको पकाया, इनको ढक दिया, पट 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 से आवाज़ आ रही थी। बीच वाले भाई साहब बोल रहे चुड़ैल आ गई है उसमें। ये देखिए बन गए नमक, देखो ऊपर कटोरे पे आ गया, इसको पोंछ के इसमें रख देंगे लोहे की कढ़ाई में और बर्तन धोने में ले देंगे। और आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो जल्दी जल्दी से, मैं बोलती नहीं हूँ जल्दी से, भोले बाबा कोई तो वीडियो मेरा वायरल हो जाए, पता नहीं 1 मिलियन पे भोले बाबा मेरा कब वीडियो पहुंचाएंगे, लग रहा है मेरा ये सपना ही ना रह जाए। ये मेरी दाल है और वंशिका ने आज नुकसान कर दिया बीच वाली दीदी का, मैं बीच वाली दीदी बोलती रहती हूँ, आप लोग बोलते भाव चढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छे सभी मेरे घर में बहुत अच्छे हैं, ठीक है कोई भी वैसा नहीं है। यहाँ पे हमने इसे जोड़ने की कोशिश की है, जुड़ भी गया, आप देखते कितने दिन ये चलता है कितने दिन नहीं चलता है। प्लीज़ नए चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना। तो सारा काम हो गया, फ्री होके बैठी दीदी झाड़ू लगा रही, आप लोगों के कमेंट पढ़ के दिखा रही थी। एक लोग दीदी कह रहे हैं तुम्हारी दीदी तुम्हें भाव तो देती नहीं है, तुम आगे पीछे दीदी दीदी करती रहती है। दीदी गाली बकरी थी मैंने वैसे कर दिया, वैसे बोलो अभी बोलेंगे दीदी बोल तो रही नहीं है, तुम बोल रही हो ऐसा है दीदी मुझसे प्यार नहीं करते है दीदी ना वीडियो ना, क्या उसके सामने बात नहीं करती है, बहुत वो करती है। फिर बोल आप लोग बोलते ऐसे तो कोई कमेंट करता ही नहीं है, तुम झूठी झूठी बोलते, फिर ये लोग ऐसे बोलते जैसे मैं रिप्लाई करूँ तो, और ऐसे अभी कमेंट के पूरे दिन तुम दीदी दीदी करती रहती, दीदी तो तुमसे बात भी नहीं करती है, बहुत बात नहीं करती है तुम मुझसे, ये दीदी इतना बात करती है बहुत ज्यादा और सीधे बात और नहीं करती है देखो, तो ये मत बोलो ये कैमरे के सामने उनको ये सब चीज़ें। एक बार ना हम दीदी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ मैं पिछली बार आई थी होली पे, तो मिस्टेक से कुछ निकल गया तो कुछ लोग पीछे पड़ गए थे दीदी के, तब से वो वीडियो में नहीं बोलती, ये हुआ था इस वजह से कम बोलती हैं। और वैसे कभी आओ घर पे तब पता चलेगा दीदी बोलती हैं या नहीं बोलती हैं। दीदी दीदी कह रही हैं तुम्हें सूती के रख दे बहुत तो बच के रहो समझे, मैं मतलब जल्दी से नहीं बोलती मैं, मुझे पता है सोशल मीडिया पे अच्छे बुरे सब तरीके के आएंगे, पर दीदी बोलती है तू मैं बोलूँ दीदी ये बात बोल दे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैंने दीदी मेरा तो बिगाड़ेगा, सब लोग ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे मुझे छोड़ेंगे नहीं, एक ब्लाउज के पीछे तो क्या हुआ था अब क्या, मैंने दीदी आपके पीछे मेरे साथ ये सब हो जाए मत करो, नहीं तो दीदी को गुस्सा आ जाता है। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग बोलते दीदी ऐसा के वैसा, तो आप लोग कमेंट देख लेना पढ़े होंगे, रोज ही ऐसे कमेंट आते हैं ऐसा नहीं एक दिन आते, आज मैंने दीदी को पढ़ के सुनाया। लाइट आ गई है, लाली बैठी है और लाली दिखाइए तेरा जूड़ा, देखो लाली ने कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई, नीचे बैठ नीचे बैठी लाल, दिख रहा है ये देखो यार इसमें ना रूमाल घुसाया है लाल, इसने बेचना भी नहीं, टैलेंटेड है ये, पूरे दिन करते रहते हैं हम लोग, लेट जाते हैं, पिन निकल गया भैया और चले गए हैं बाहर, सब लोग बैठे हैं, मैं जा रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगा, पूरे दिन झाड़ू पोंछा यही होता रहता है, दिखने लग गया रूमाल है ना, पूरे दिन इन लोगों की हेयर स्टाइल बनती रहती है। बड़ी दीदी की मुंह कुट गई है आज, दीदी ने मेरे लिए मुंह रखी है, शेखर को दिखाती हूँ, शेखर इसके ना वो इन्फेक्शन फैल गया तो मुंह धोनी मट्टी लगाई है तो उसकी वजह से छुप रहा है, देखो मेरे बर्तन कितने सारे हो गए हैं, उनको मुझे धोना है, और 250 रुपये का फेस वॉश, ढाई सौ दिन भी नहीं चला, एक महीने भी नहीं चला, तो अब जा मेरा पर्स यहीं टंगा रहता, अब जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर लेटेंगे आराम करेंगे, और रात को बारिश हुई थी और आज 30 तारीख का महीना, मेरे 30 तारीख का वीडियो, ये 30 तारीख का वीडियो 1 तारीख को जाएगा, कल शनिवार है और संडे का 2 तारीख है, मंडे से स्कूल ओपन है ना, तो चलो
मैं वीडियो एंड करती हूँ, दीदी से कराती। दीदी वीडियो को एंड करना, कैसे करते? बाबा बोली, टाटा बोली, दीदी हाय, अभी हाँ बोली, हाय टाटा, टाटा। अरे भाई, दीदी ने ना उधर भाई साहब को वो खड़े, दीदी ने रील्स बनाई है भाई साहब के साथ है दीदी, भाई साहब की गुदी पे लटक गई है दीदी, तो आप लोग वो रील्स देखना, अगर हो सका तो मैं शॉर्ट वीडियो यहाँ पे डाल दूंगी, नहीं आप देखना प्रीति राघव 126 पे जाके दीदी की शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम पे देखना। बाय बाय।